हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इन नुस्खों को अपनाते हैं तो थायराइड तो क्या, कोई भी बीमारी आपको छू नहीं पाएगी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको थायराइड के बारे में बताएंगे और कुछ ऐसे घरेलू नुस्खों के बारे में बताएंगे जिनका उपयोग करके आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, अगर समय के साथ आगे बढ़ना है तो हमें खुद को अपडेट रखना होगा, ये बात ठीक है, और इसके लिए हम मेहनत भी करते हैं। इस चक्कर में हम दिन रात काम करते रहते हैं लेकिन अपनी सेहत से सौदा कर बैठते हैं। जब तक हम इस बात को समझते हैं तब तक कई बीमारियां हमारे शरीर में जगह बना लेती हैं। इन दिनों लोग सबसे ज्यादा मोटापे और थायराइड से परेशान हैं। आप खुद भी देख सकते हैं कि थायराइड कितनी तेजी से लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि थायराइड होता क्या है। दोस्तों, थायराइड कोई बीमारी नहीं होती बल्कि हमारे गले में आगे की तरफ पाए जाने वाली एक ग्रंथि होती है। ये तितली के आकार की होती है। यही ग्रंथि शरीर की कई जरूरी गतिविधियों को नियंत्रित करती है। ये भोजन को ऊर्जा में बदलने का काम करती है। ये हमारे शरीर में हार्मोन्स का निर्माण करती है। इन हार्मोन्स का सीधा असर हमारी सांस, हृदय गति, पाचन तंत्र और शरीर के तापमान पर पड़ता है। साथ ही ये हड्डियों, मांसपेशियों और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करती है। जब ये हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं तो वजन कम या ज्यादा होने लगता है। इसे ही थायराइड की समस्या कहते हैं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि थायराइड के लक्षण क्या क्या होते हैं। कब्ज रहना, थकावट रहना, त्वचा रूखी हो जाना, वजन बढ़ना, हृदय गति का कम होना, उच्च रक्तचाप, जोड़ों व मांसपेशियों में सूजन या दर्द रहना, पतले और रूखे बेजान बाल और बालों का झड़ना, याददाश्त कमजोर होना, मासिक धर्म का असामान्य होना और प्रजनन क्षमता में असंतुलन, ये सब लक्षण होते हैं थायराइड के। दोस्तों, अब आपको बताते हैं थायराइड का घरेलू उपचार कि किन उपचारों को अपनाकर आप अपनी थायराइड को कंट्रोल में रख सकते हैं। दोस्तों, अलसी का प्रयोग करके आप थायराइड से निजात पा सकते हैं। आप एक चम्मच अलसी लें और उसे थोड़ा दरदरा कूट लें, फिर इसे दही में मिला लें और साथ में 5 पत्ते तुलसी के भी डाल लें। इसके बाद आप इसका हर रोज सेवन करें। ये थायराइड को दूर करने में बहुत गुणकारी मानी जाती है। अश्वगंधा, इस बीमारी को दूर करने के लिए आप अश्वगंधा का एक चम्मच चूर्ण लें और इसे गाय के गर्म दूध के साथ खाएं। ऐसा नियमित रूप से करने से आपका थायराइड खत्म हो जाएगा। अखरोट के सेवन से भी थायराइड को दूर किया जा सकता है। इसके अंदर कई ऐसे तत्व होते हैं जो गले की सूजन को कम करने में हमारी बहुत मदद करते हैं। थायराइड के रोगी को दिन में कम से कम 1 या 2 अखरोट जरूर खाने चाहिए। लौकी का जूस भी थायराइड के रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। आपको इस जूस को हर रोज सुबह खाली पेट पीना है। आप चाहे तो इसमें काला नमक या सेंधा नमक मिला सकते हैं और साथ में आप अदरक और नींबू का रस भी डाल सकते हैं। एलोवेरा, थायराइड को दूर करने में एलोवेरा भी बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसके लिए आप 1/2 चम्मच एलोवेरा का जूस और 2 बूंद तुलसी के पत्तों के रस को मिला लीजिए। उसके बाद इसका नियमित रूप से सेवन कीजिए। आपका थायराइड गायब हो जाएगा। दूध और दही भी थायराइड को कम करने में अच्छी मानी जाती है। थायराइड के रोगी को हर रोज 1 गिलास दूध और खाने के साथ 1 कटोरी दही का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे भी आपका थायराइड कंट्रोल में आ जाएगा। धनिया, थायराइड के रोगी के लिए धनिये को बहुत अच्छी औषधि माना गया है। इसके लिए आप 5 चम्मच साबुत धनिया लें और उसे रात भर भिगोकर रख दें। फिर सुबह इसका पानी उतारकर इसे 1 गिलास पानी में उबाल लें और उसके बाद इसे छानकर पी लें। आपको इसका सेवन कम से कम 2 हफ्तों तक सुबह और शाम लगातार करना है। ध्यान रहे, ये पानी आपको खाली पेट ही पीना है। काली मिर्च से भी थायराइड का इलाज किया जा सकता है। आप काली मिर्च का किसी भी प्रकार से सेवन कर सकते हैं। चाहे तो इसे सब्जी में, सलाद पर, सूप में या नींबू पानी में डालकर इसका सेवन कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। अदरक, थायराइड को अदरक से भी दूर किया जा सकता है। आप इसे कच्चा चबा सकते हैं या फिर पानी में उबालकर या सब्जी में डालकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। आप अदरक
अदरक का सेवन शहद के साथ भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका थायराइड बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ घरेलू नुस्खे जिनका उपयोग करके आप थायराइड जैसी बीमारी को दूर कर सकते हैं। अगर किसी को ये समस्या है तो इन नुस्खों को जरूर आजमाएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है वो भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।